हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के संगे। मऊगंज में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में होने वाले मतदान के बीच उस समय हड़कंप मचेगा जब एक ठे मतदान केंद्र के साथ है मऊगंज के अलग अलग जगह में ही बिजली गिरे से 3 जने काल के गाल में समाएंगे। एक ही साथ है 13 जने घटना में घायल भे हमा। अपरा को बताई दी कि सबका सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती करावा गया है। वहाँ 2 जने गंभीर घायल हैं जिनका रीवा के SGMH अस्पताल का रेफर कीन गया है। जी सर, ओपन पंचायत चुनाव में ही बारिश के बाधा के बाद पहल चरण में जम के मतदान भाव है। अपना का बताया जाए कि नई गढ़ी मऊगंज और हनमना में ही पंचायत चुनाव के मतदान और मतगणना दोनों पूरी हो चुकी हम। 3 बजे तक नई गढ़ी में ही जहां 56.79% तो है मऊगंज में ही 58.86%, एक साथ है हनमना में ही 53.3% के वोटिंग भई है। जेके बाद तीनों विकास खंडन के अलग अलग पदन के मतन के सारणी बनाए के उनका 14 जुलाई का चुनाव के परिणामन के घोषणा की जाये। वहाँ 3 बजे तक वोट डाले के काम चलाओ के बादव कई जगह ऐसा रही जहां 3 बजे के बादव समन जने लाइन में वोट डाले खातिर खड़े रहे। इस समय जिला के कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प साथ है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन वहाँ पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े दिन भर घूम घूम के मतदान के समय शांति के व्यवस्था बनाए रखे खातिर कोशिश में जुटे रहे। मतदान के समय 62 मोबाइल दल लगातार अलग अलग क्षेत्रन में ही घूम घूम के कानून व्यवस्था की निगरानी करें। एक साथ है पंचायती राज संस्थान के आम चुनावन के खातिर पहल चरण के मतदान संपन्न होता है मतदान केंद्र में ही मतगणना की जा चुकी है। विकासखंड नई गढ़ी मऊगंज और हमना के 256 ग्राम पंचायतीन के 863 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जौने माही मतदान केंद्र गहबे। और अब बात करी थे रीमा के सिटी कोतवाली के तराहटी मोहल्ला के जौन के समय बहुत ही चर्चा में चल रहा है। अपना को बताई दी कि यहाँ के रहने वाली एक बिटिया फिजा खान अपने बॉयफ्रेंड से मिले खातिर पाकिस्तान जात के पकड़ाई गई। पुलिस उनका अमृतसर के अटारी बॉर्डर से पकड़ ली नहीं भाई। एक साथ है उनके लगे से पासपोर्ट और वीजा घलाई मिला है। बतावा जाता है कि बिटिया कंप्यूटर साइंस से BSc करे के बाद प्राइवेट स्कूल में इठे शिक्षिका रही हमा। वहाँ परिवार बताएं के ए बारे में उनका पहले से कोनो मेर के जानकारी नहीं रही। वह बिटिया के भागे के बाद सलगा मामला तब खुला जब बिटिया बॉर्डर में पकड़ाई गई। इसने माही 20 जून का ही साइबर सेल के जांच पूरी होए के बाद लुकआउट के नोटिस भेजा गया जोने के बाद पुलिस भोपाल मुख्यालय सलगे एयरपोर्ट और बंदरगाहन के साथ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जोड़े वाले बॉर्डरन का जानकारी दीन गए। जेके बाद 25 जून का जाए के सफलता मिली और बिटिया का पकड़े में टीम सफल भय। रीमा माही विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला के मार्गदर्शन माही यातायात प्रभारी का 25 ठे वॉलंटियर यातायात पुलिस के सहयोग खातिर दीन गए हम। अपना का बताई दी के समय जय स्तंभ के कार्यालय माही 25 ठे वॉलंटियर अपन सेवा दे खातिर हाजिर भी हम। बतावा जात है कि सलगे वॉलंटियर अपने मन से अपन सेवा दे ही। ऐसने माही अभी वॉलंटियर सड़क हादसा में घायलन का अस्पताल पहुंचावे से लेके पार्किंग जगहन के संचालन व कॉलेज चौराहा और स्टेडियम के साथ है रेलवे माही ट्रैफिक के जन जागरूकता खातिर प्रचार प्रसार घलाई करी। एक साथ है अच्छा काम करे वाले वॉलंटियर का पुलिस सम्मानित करी और प्रोत्साहित करी। नगरी निकाय के निर्वाचन के समय ओपिनियन पोल एग्जिट पोल के बारे में ही दिशा निर्देश दीन गए हम। अपना का बताया दें कि 1964 के अधिनियम के तहत मतदान वाले क्षेत्र में ही कौनो मेर के निर्वाचन खातिर मतदान के समय सीमा समाप्त होए के बाद 48 घंटन के समय में कौनो मेर के चलचित्र इलेक्ट्रॉनिक या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से कौनो मेर से जनता के बीच में ही निर्वाचन से जुड़ी कोनो मेर के बात ही प्रकाशित न की जाए। कोनो मेर के चले वाला ओपिनियन पोल परिणाम निर्वाचन क्षेत्र में ही प्रथम चरण 6 जुलाई का ध्यान में रख के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही
4 जुलाई के सांझ के 5 बजे से लेके निर्वाचन मतदान दूसरे चरण के 13 जुलाई का सांझ के 5 बजे तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही कोलोमेर से प्रकाशित न की जाई। वहां दूसरे चरण में घलाए 13 जुलाई का मतदान खत्म होए के बाद एक ठे अवधि बीते के आधा घंटा बाद है या एग्जिट पोल या फिर कोलोमेर से जानकारी प्रकाशित की जा सका थी। रीमा कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश के बाद रीमा से चलाई वाली सूत्र सेवा बसन में ही अब यात्रियों के सुविधा का ध्यान में रख के उनके खातिर पानी के व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है। अपना को बताई दी कि सूत्र सेवा बसन में ही शासन के खिलाए कंट्रोल होते हैं, उनका नियंत्रण होते है। वहीं रीवा से सूत्र सेवा के बस अधिकतर सतना, जबलपुर और छतरपुर खातिर जाती लाहमा, जहां अब यात्रियों का पानी खातिर भटके की जरूरत न पड़ी। हाँ हाँ, सेवा उपलब्ध है। की लगा वाला है पता नहीं, रुक गया हम यही जरूर पूछे। रोज बटा थे आज भी रोज बटा चलाओ ले एक्टे एक्टे दे आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।